बेवजह देख के मेरे उछले नैना दे
अज सुली उते
अज सुली उते इबने खुदा बैठ के तेरे उजले नैना दे दरिया बैठ के तेरे उजले नैना दे दरिया बैठ के बयान करा जो कुछ तू कीता मेरे लिए किवें लफ्ज़ां विच बयान करा जो कुछ तू कीता मेरे लिए किवें लफ्ज़ां विच बयान करा जो कुछ तू कीता मेरे लिए किवें लफ्ज़ां विच बयान करा ए जिस अमानत यसू दी मैं यसू ते कुर्बान करा मेरे हिस्से दी ओ मौत मर गया मेरे लिए मेरे हिस्से दी ओ मौत मर गया मेरे लिए ओ दे जिस्म तो मांस चढ़ शर्मिंदा ओनू हुंदा शर्मिंदा ओनू हुंदा शर्मिंदा ओनू हुंदा शर्मिंदा बेवजह वेख के मेरे उछले नैना दे दरिया वेख के मेरे उछले नैना दे दरिया वेख के अज सुली उते इस सुली उते अज सुली उते इबने खुदा बैठ के मेरे उछले नैना दे दरिया वेख के मेरे उछले नैना दे दरिया वेख के मेरे उछले नैना दे दरिया दरिया वेख के मेरे उछले नैना दे दरिया वेख के मेरे उछले नैना दे दरिया वेख के ओदे जख्मी बदन विचों लहू चोरे आए 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 सैली कोने आदी मार नाले बेपत होया पर फिर भी तू अपना ना मुंह खोलिया ए नी जान दे ए लोग की कर दे पैने पिता माफ करी जख्मी बदन विचों लहू चोरे आए जख्मी बदन विचों लहू चोरे आए मैं
ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬੰਦੂਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਯਸੂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬੰਦੂਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਯਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਅਦੂਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਯਸੂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਾਂ ਬੰਦੂਆ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਯਸੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਬਾਦ ਗਿਆ ਆਬਾਦ ਕਰਾਇਆ ਯਸੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਰਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਬਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਤੋਰਿਆ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਰਿਆ ਏ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਰਿਆ ਏ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਰਿਆ ਏ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਤੋਰਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਯਸੂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਲੀ ਉੱਤੇ 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 ਹਾਂ ਇਸ ਸੁਲੀ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਲੀ 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 ਉੱਤੇ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਦੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਅੱਜ ਸੁਲੀ ਉੱਤੇ 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 ਬਣ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ
ਦੀਆ ਵੇਖ ਅੱਜ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ 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 ਅੱਜ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਛਲੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵੇਖ ਹਾਂ हालेलुया, तारीफ करें परमेश्वर के आज के दिन के लिए। तो आज जब आपने प्रेयर को रिसीव करना है, लाइव प्रेयर को आप सुनेंगे, आप डिलीवर होके उठेंगे, आप छुटकारा पाके उठेंगे, चंगाई को लेके उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर जितने भी बीमारों को आप जानते हैं तो फटाफट उनको आप प्रेयर माउंटेन के लिंक को व्हाट्सएप करें, उनको भेजें, फॉरन में है, कहीं भी है, जब वो प्रेयर को सुनेंगे, मेरा बिलीव है वो बड़ी गवाही को रिसीव करेंगे, बड़े मिरेकल को आज आप रिसीव करेंगे यीशु मसीह के नाम में। उससे पहले हम एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, एक बड़ी गवाही हमारे बीच में है, तो इस गवाही को आपने ध्यान से सुनना है। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम रिंकल है, मैं मुंबई से हूँ। और पिछले 30 साल से लगभग आपको दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, आप खुल के बताएं इस चीज के बारे में, कैसे ये अटैक होते थे, क्या आवाजें सुनती थी, क्या दिखता था, कैसी हालत थी, कैसा डर था आपको? जब मैं छोटी थी तब मैं जब सोती थी तो ऐसा लगता था कोई मेरे साथ में आके व्यभिचार करके जाता है, दुष्ट आत्मा आके मेरा रेप करके जाती है। और जब मैं सुबह में उठती थी तो मेरे बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी जगह के ऊपर मेरे खरोंच के निशान और खून निकलता था, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली जाती थी, डर जाती थी और बहुत परेशानी में रहती थी, किसी से बात करना पसंद नहीं आता था और अपने बॉडी में एक गंदापन महसूस होता था कि इस तरह से मेरे साथ में होता है। और ऐसे होने की वजह से मैं बहुत डिप्रेस होने लगी और मैं ये सब परेशानी की वजह से मैंने डिश वॉशर भी पिया, फिनाइल भी पिया और अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी मैं बच गई। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ नहीं, आपको नॉर्मली सा बॉडी में खून की कमी है इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रहा है। और मैं दवाई बहुत सारे डॉक्टर के पास दवाई लेती गई लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, मेरा सॉल्व नहीं हुआ। चीज़ों के कारण आप डिप्रेशन में चली गई और ऐसा लगता था मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं जब चलती भी थी तो डर के चलती थी, अरे कोई चल रहा है, और मैं बहुत डर जाती थी, रात को नींद में से भी डर के उठ जाती थी, बहुत परेशान होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था ऐसे ऐसे पिलो को लेके पकड़ के सोती थी और ऐसे बोलती थी बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा मैं करती थी, बहुत डर लगता था। डिप्रेशन का इलाज भी आपने कराया, डॉक्टर्स के पास गए होंगे? हाँ, मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, आपको खून की कमी की वजह से सब होता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मेडिसिन देते थे खून की कमी की, अपना सिरप देते थे वो पीती थी, लेकिन उससे कोई
मेरा प्रॉब्लम हल नहीं होता था, वही जो सपने आते थे और मुझे एक पूरा जला हुआ इंसान दिखता था, फिर कीड़ों से भरा हुआ इंसान दिखता था, मैं बहुत बेचैन हो जाती थी, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, कोई मुझे अच्छा भी बोले तो ऐसा लगता था वो मेरे बारे में बुरा ही कर रहा है। और ये डिप्रेशन इतना बढ़ चुका था कि आप हर वक्त अकेला बैठ के हमेशा रोते रहते। हाँ प्रथम, और इन्हीं चीज़ों के कारण ये डिप्रेशन जब इनके ऊपर बढ़ने लगा तो हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी, इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे, ऐसे अटैक्स होते थे। आपको फिर यहाँ का अंकुलना मिसेज के बारे में कैसे मालूम हुआ था? मैं शुभ संदेश चैनल देख रही थी, बहुत डिप्रेशन में थी, तब मैंने 2016 में पापा जी को वर्ड देते हुए सुना और वो वर्ड देने से मुझे बहुत खुशी मिली, तब से मैं फॉलो करने लगी, देखने लगी और मुझे बहुत शांति मिलने लगी। वचन जैसे सुनती थी तो ऐसा लगता था पापा जी नहीं परमेश्वर मुझसे बात करते हैं। और जब आप चर्च में लगातार आने लगे तो 24 सितंबर 2023 को जो परमेश्वर के दास ने डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना करी, तो आपने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। हाथों को उठा लो राइट नाउ, यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी पे हाथ रखो सब राइट नाउ। बोलेंगे हर एक बीमारी और वो चीज जो खुदा की ओर से नहीं है, अब जब मैंने तबा कर ली है, मैं कमांड करता हूं कि वो निकल जाए। कमांड करो, फायर करो, आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ काला सा आया, कुछ तो भी कीड़े जैसा मेरे बॉडी से निकल गया और मुझे बहुत सारा परमेश्वर का गर्मी महसूस हुआ। उस दिन के बाद मैं इतना शांति से सोई हूँ, ऐसा लगता है मैं ईगल की तरह हवा में उड़ रही हूँ। ये मसा इतना अच्छा, अमेजिंग, मैंने ऐसा मसा कभी कहाँ पे भी नहीं देखा। ये मसे की वजह से मैं इतनी पूरी तरह से फ्री हो गई, तो प्रभु को बहुत बहुत मैं इस बात के लिए थैंक यू बोलती हूँ। अभी आज़ाद हुए कितने महीने हो चुके हैं? आज़ाद हुए मुझे एटलीस्ट 6 महीने तो हो चुके हैं। सब तो कोई कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ रही हूँ। तारीफ करें प्रभु का। बड़ी गवाही के लिए, आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जब लोग डिप्रेशन के नीचे जाते हैं, डिप्रेशन के अटैक होते हैं, तो उनको कुछ भी समझ नहीं लगती, डॉक्टर जस्ट मेडिसिन देते हैं, इलाज करते हैं, लोग मेडिसिन खाते हैं, कुछ टाइम के लिए नींद आती है, सुबह उठते हैं, फिर वो अटैक शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मेडिकल भाषा में जो डिप्रेशन को लोग एक रोग मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बीमारी नहीं है, ये एक स्पिरिट है। जब तक आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवरेंस को हासिल नहीं कर पाएंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग प्रेयर में बैठे होंगे जिनको डिप्रेशन होगा, जिनको ये अटैक्स होते होंगे, तो आज जब आपने प्रार्थना को रिसीव करना है पूरी फायर के साथ, आज आपके डिप्रेशन का, इस बीमारी का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। और आज आप बड़ी गवाही को रिसीव करके उठेंगे और मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस प्रार्थना को करना शुरू करेंगे। Let's go.
अपने हाथों को उठाएंगे सब जन, जितने लोग जो प्रार्थना पहाड़ के ऊपर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने लोग जो लाइव घरों से हमारे साथ जुड़े, अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों पर आएं। जैसे कि परमेश्वर का दास पॉलिस कहता है कि जो गैर भाषाओं में बातें करता है वह अपनी उन्नति को करता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी उन्नति को करे, अगर आप अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में उन्नति को चाहते हैं, आज आप शर्माएंगे नहीं, अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पर आओ, अपने पड़ोसी से बिना शर्माए अपने मुंह को खोलकर आप गैर भाषाओं में बातें करनी शुरू करेंगे। अपने हाथ तक उठाएंगे सज्जन, आज आप तैयार होंगे अधिकारों से, अंगीकारों से भरी प्रार्थना को करने के लिए। अपने आप को तैयार करो, आज हम कमांड करेंगे आपकी लाइफ के ऊपर। हर वो दुष्ट आत्मा जब आपको प्रार्थना करने से रोकता है, जब आपको बाइबल पढ़ने से रोकता है, जब आपको परमेश्वर के नजदीक जाने से रोकता है, आज आप डरेंगे नहीं, आज आप कमांड करेंगे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में। बोले ओ परमेश्वर, हर वो आत्मा जो मुझे प्रार्थना करने से रोकता है, जो मुझे वचन पढ़ने से रोकता है, तेरी फायर को कैच करे मेरी लाइफ से, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से। आज चोली के सागे जाते आओ तुने, आओ तुने, आओ तुने, आज करो। चोली के सागे जाते आओ 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 आओ। ऊँचे बात के बाद आज करो, आज जीने मस्त है। आओ 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 आओ। आओ तुने, आओ तुने, आओ तुने, आओ तुने। सारा गंदा दुष्ट का आओ तुने, आलस का आओ तुने, सुस्ती का आओ तुने, रास्ता का करो मेरा आओ तुने। आपकी फैमिली से, आपके बच्चों से, आपके लाइफ से, आपके करियर से, आउट 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 करो, आउट करो, आउट करो, ऊंची आवाज के साथ आउट करो। ओ निकल सके ना, आउट 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 करे, आउट करे, आउट करे। जब आप प्रार्थना करते हैं, एक बात हमेशा याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपने भेदों को आपके ऊपर प्रकट करता है। बाइबल कहती है जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का उजाला, परमेश्वर की लाइट हमारी जिंदगी में एंटर करती है। अपने हाथों को उठाए, प्रार्थना ना करने के कारण, बाइबल ना पढ़ने के कारण जो अंधेरा आपकी लाइफ में आ चुका है, आज हम घोषणा करते हैं आपके जीवनों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके राष्ट्र के ऊपर उजाला हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सारा अंधेरा खत्म हो जाए, उजाला 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 हो जाए, रिलीज करो लाइट को, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए।
उजाला हो जाए, होली बच्चा के नाम उजाला हो जाए। सारा तेरा कदम हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। रिसीव करो लाइफ को, रिसीव करो लाइफ को, अपने परिवारों में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने सेहत में, अपनी बॉडी में, अपने करियर में, अपने फैमिली में, अपने राष्ट्र में। रिसीव करो लाइफ को, उजाला हो जाए, 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 उजाला हो जाए। सारा तेरा खत्म हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। हाथ दिखाएंगे सजन, आज हम प्रार्थना करेंगे आपके परिवारों के लिए। सारे वंशों के शराब जो वंशों से आपका पीछा करते आ रहे हैं, वो नशे का शराब, डिप्रेशन का शराब, सुसाइडल स्प्रेड का शराब, डेथ का आत्मा, बीमारी का आत्मा, गरीबी का आत्मा, जो वंशों से आपका पीछा करता आ रहा है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है दुष्ट आत्मा को निकालने का, सांपों और बिच्छों को रौंदने का। परमेश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया, आज यूज करेंगे आप अपने अधिकारों का, आज सारे बंधनों को तोड़ेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बीमारी के बंधनों को, गरीबी के बंधनों को आज आप ब्रेक करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऊंचे आवाज से ब्रेक करो, सारे बंधन ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, होली गुस्सा के बाद ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए, सारे बंधन ब्रेक हो जाए, सारे जुए ब्रेक हो जाए, ब्रेक की जाए, ब्रेक 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 सारे तू चाहे तू चाहे तू चाहे सारे बंद तू चाहे सारे चूहे ब्रेक करो, सारे बीमारी के, गरीबी के, शराब के, बच्चों के, बीमारियों के, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, उसी में जा करो, ब्रेक की नहीं बस रहे, वो सारे चूहे ब्रेक की नहीं बस रहे, ब्रेक 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 हाथों को उठाएंगे सरकार, प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। आज के बाद आप कभी अंगीकार नहीं करेंगे कि मुझे खेल आती है, मेरे ऊपर अटैक होते हैं, मेरे परिवार के ऊपर ऐसे अटैक होते हैं। अपने सर के ऊपर हाथ रखे, आज आप अंगीकार करेंगे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं, इसमें खेल का कोई अधिकार नहीं, इसमें सुसाइड का कोई अधिकार नहीं। हमारा विश्वास है जैसा आपका अंगीकार होगा वैसे आपके डिलीवरेंस में परमेश्वर आपको आजाद करेगा, एक न्यू लाइफ देगा, आपको खड़ा करेगा, आपको आजाद करेगा। अपने हाथों को उठाओ, आज हम घोषणा करते हैं आपके लाइफ के ऊपर सारा दुष्ट आत्मा आज हमारी बात को सुने और वो आउट हो रहे, आउट हो रहे, आउट हो रहे, आउट हो रहे, आउट करो, आउट, 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 आउट। आउटरे 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 सारा दुष्ट आत्मा आउट, आउटरे आउट, 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 आउटरे 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 आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से,
परिवारों से राष्ट्र से आउट 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 करे आउट करे आउट करे के द्वारा आराम से नहीं बैठ सकते अब गुस्सा करेंगे उस दुष्टात्मा के ऊपर। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया दुष्टात्मा को निकालने का। आज ऊंची आवाज में बोलेंगे ओ दुष्टात्मा मेरी पार्टी के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरी फैमिली के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं, मेरे बिजनेस के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं। आओ तेरे मेरे परिवार से, आओ तेरे मेरे बच्चों से, आओ तेरे मेरी लाइफ से, आओ तेरे मेरे बिजनेस से, आओ तेरे मेरे फैमिली से, आओ तेरे मेरे बच्चों से। अपने हाथों को उठाएंगे सज्जन, हम प्रार्थना करेंगे नौजवानों के लिए जो लोग नशे में, जो पाप में, व्यभिचार में, शैतान उनकी जवानी में उन्हें खत्म करना चाहता है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि हे नौजवान अपने जवानी के दिनों में अपने यहोवा परमेश्वर को याद रखना, उसकी सेवा करना, पाप से दूर रहना, ऐसा करने से तो अधिक जिएगा। मैं तेरी लंबी आयु करूंगा, मैं तेरे रिस्ट पुष्ट रखूंगा, मैं तेरे हेल्दी रखूंगा, मैं तेरे ब्लेस रखूंगा। अगर आपके बच्चे आज पाप में, अब अपने बच्चों के स्पिरिट में छुएंगे, अब अपने बच्चों के सर के ऊपर हाथ रखेंगे और कमांड करेंगे अपने बच्चों के लिए, वो सारा व्यभिचार का आत्मा, वो सारा नशे का आत्मा, सारा पाप का आत्मा जबकि बच्चों को नाश करना चाहता है, आज चलिए के सारे को कैच करे आपके बच्चों से, उनके लाइफ से, उनके कैरियर से। आज आओ तोड़े, आओ तोड़े, आओ तोड़े, आओ तोड़े, ऊंची आवाज के साथ आओ करो, होली का ताके दाता आओ 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 सारा दुष्टता तो जाए। आओ तोड़े, आओ तोड़े, आओ तोड़े, होली के ताके दाता आओ 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 तोड़े, आउट करे, आउट करे, आउट करे, आउट करे, होली बच्चा के बाद आउट करे, व्यभिचार का आउट करे, नशे का आउट करे, चोरी का आउट करे, पाप का आउट करे, व्यभिचार का आउट करे, आपके बच्चों से, उनके लाइफ से, उनके कैरियर से, उनके स्टडी से, उनके फ्यूचर से, उनके बॉडी से, उनके ब्रेन से, सारा दुष्ट आउट, आउट करे, आउट करे, आउट करे, ऊंची आवाज के साथ, आउट करे।
अपने हाथ को दिखाएंगे सब। अगर आपकी लाइफ में फेलियर का आत्मा काम करता है, अगर आपकी लाइफ में डिले का आत्मा काम करता है, आप कोई भी काम शुरू करते हैं वो फेल हो जाता, आपको ब्लेसिंग नहीं मिलती, आज हम आपके हाथों को आशीषित करते हैं सामर्थ्य नाम है। आज परमेश्वर के वायदे आपकी लाइफ में पूरे होंगे, वो आपके हाथों के कामों को फलवंत करेगा। जैसी गति उसने मूसा के ऊपर प्रकट की, वैसी स्पीड आपकी लाइफ में एंटर करेगी सामर्थ्य नाम है। कोई फेलियर, कोई डिले आपकी लाइफ का हिस्सा न ठहरेगा। आज हम क्वेश्चन करते हैं आपकी लाइफ के ऊपर, हम आपको ब्लेस घोषित करते हैं सामर्थ्य नाम है। आपके हाथ ब्लेस हो जाए, आपकी बॉडी ब्लेस हो जाए, आपके बिजनेस ब्लेस हो जाए, आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए, आपके परिवार ब्लेस हो जाए, 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 बी ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी ब्लेस हो जाए, 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 नए घर के साथ ब्लेस हो जाए, नए बिजनेस के साथ ब्लेस हो जाए, गाड़ी के साथ ब्लेस हो जाए, बच्चों के साथ ब्लेस हो जाए, दवाइयों के साथ ब्लेस हो जाए, बी ब्लेस हो जाए, 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 घोषणा तक आपके जीवन के पास सारे रास्ते जो शैतान ने बंद किए हुए हैं, आपके गवाही के रास्ते, आपके बेबी के रास्ते, आपके वीजा के रास्ते, आपके बिजनेस के रास्ते, आपके घर के रास्ते, जितने शैतान ने रास्ते बंद किए हुए, एक बात हमेशा याद रखें, अगर परमेश्वर के लिए आपका मुंह खुला होगा तो आपके रास्ते खुले होंगे। ओपन करो अपने अधिकारों का यूज करो, अच्छा ओपन करेंगे अपने रास्ते पर, बोले परमेश्वर मेरे रास्ते ओपन हो जाए, बिजनेस के रास्ते, फाइनेंस के रास्ते, शिक्षा के रास्ते ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन, 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 सारे रास्ते ओपन हो जाए, ओपन करने वाले, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, सारे रास्ते ओपन हो जाए, आपकी गवाही के रास्ते, आपके बिजनेस के रास्ते, आपके फॉरेन के रास्ते, आपके वीजा के रास्ते, आपके बेबी के रास्ते, गाड़ियों के रास्ते, घरों के रास्ते, बिजनेस के रास्ते, ओपन, 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 अपन जाने माशरे वो अपन जाए अपन जाए अपन जाए सारे रास्ते अपन भी अपन 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 सारे रास्ते अपन जाए भी अपन जाने माशरे भी अपन जाने माशरे अपन 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 अपन
को उठाएंगे सतन, आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अगर कोई भी बीमारी आपकी बॉडी में काम करती है, आज के बाद आप कभी अंगीकार नहीं करेंगे कि मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। आज के बाद यही अंगीकार करेंगे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें बीमारी का कोई अधिकार नहीं, इसमें कैंसर का कोई अधिकार नहीं, इसमें पैरालाइज का कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। आज के बाद यही ऊंचे वाक्य का अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। हम प्रेयर रिक्वेस्ट को टच करते हैं, हम आप स्पिरिट में आपको टच करते हैं, सारी बीमारियां आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से, आपके कानों से, आपकी आंखों से, आपकी हड्डियों से, आपके टांगों से आउट हो जाए, 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 सारी बीमारियां आउट हो जाए, बोले बच्चा की जाता आउट हो जाए, 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 बोले बच्चा की जाता आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारे रोग आउट हो जाए, सारे लोग आउट हो रहे हैं। आपके बच्चों से, आपकी बॉडी से, आपके ब्रेन से, आपके कानों से, आंखों से, हड्डियों से, टांगों से, सिर से, बॉडी से, बच्चों से, सभी से आउट, 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 सारी बीमारियां सारा गंदा दुष्टा पाल करे, सारी बीमारियां आउट करे, डॉक्टर बोलता है, अगर आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट बोलती है कि आप जिएंगे नहीं, इतने साल बाद आप मर जाएंगे, आपकी बीमारी का कोई इलाज नहीं, एक बात हमेशा याद रखें, एक रिपोर्ट आपकी हेवन से आ चुकी है जिसके ऊपर लिखा है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तुम मरोगे नहीं वरन जीवित रहोगे, और यहोवा के बड़े कामों का, यहोवा के नाम का वर्णन करोगे। आज हम आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करते हैं, कोई बीमारी आपको मार ना सकेगी, आप लंबा जिएंगे, आप ही होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ तक उठाओ, हम आपको हील घोषित करते हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ यीशु। चंगा जा, चंगा जा, चंगा जा, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, कैंसर से, पैरालिसिस से हील हो जा, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, चंगा जा, चंगा जा, चंगा जा, चंगा जा, चंगा जा, अपनी बीमारियों से, अपने रोगों से, कैंसर से, पैरालिसिस से, हड्डियों के रोग से, बीमारियों से, लिवर के रोग से, बीमारियों से चंगे हो जाओ, 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 हम प्रार्थना करेंगे आपके परिवारों के उन लोगों के लिए जिनके ऊपर झूठे कोर्ट केस चलते हैं,
अगर आपको फंसाया गया, बाइबल में भी लिखा कि परमेश्वर आपके मुकदमे को लड़ेगा, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। अपने हाथों को उठा अपने परिवार के उन लोगों के लिए, उन शख्स के लिए, आदम खोशना का तेजमंद के सामर्थ्य नाम है, जब वो यज्ञ के सामने पेश होंगे वो फेवर को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कोई अनफेवर स्पिरिट उनकी लाइफ का हिस्सा न ठहरेगी। अब हम घोषणा करते आपकी लाइफ के ऊपर, वो फेवर को रिसीव करे, वो जहां पे भी जाए परमेश्वर के दूत उनके साथ जाए, वो फेवर को रिसीव करे। आज हम घोषणा करते आपकी लाइफ के ऊपर, रिसीव फेवर इन द नेम ऑफ यीशु, रिसीव करो फेवर को, रिसीव फेवर, रिसीव फेवर, रिसीव फेवर, रिसीव फेवर। आपकी लाइफ के ऊपर फेवर आए, आपके केसों में, आपकी लाइफ पे, आपके कैरियर में, आपके बिजनेस पे फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए। रिसीव फेवर इन द नेम ऑफ यीशु, रिसीव करो फेवर को, रिसीव फेवर इन द नेम ऑफ यीशु। फेवर को रिसीव करो, रिसीव फेवर इन द नेम ऑफ यीशु। फेवर आए, फेवर आए, फेवर आए, विश्वास है। जब वो खड़े होंगे जजों के सामने, अधिकारियों के सामने जब वो खड़े होंगे, वो फ्री होंगे अपने केसों से। बी फ्री इन द नेम ऑफ यीशु, अब फ्री होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम आपको आजाद घोषित करते हैं, बी फ्री इन द नेम ऑफ यीशु, बी फ्री इन द नेम ऑफ यीशु, आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा, बी फ्री इन द नेम ऑफ यीशु, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, आजाद हो जा, आजाद हो जा, आजाद हो जा। अनफ्रूटफुल चीजों से आजाद हो जा, अपने पैसों से आजाद हो जा, शैतानी योजना से आजाद हो जा, दुष्टता से आजाद हो जा, अपने पैसों से आजाद हो जा, आजाद हो जा, बी फ्री तेरे मास्टर, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री तेरे मास्टर, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, आजाद हो जा, प्रार्थना करेंगे आपकी लाइफ के लिए। और जब घोषणा करेंगे अपने जीवन के ऊपर, बोलेंगे कि ओ परमेश्वर, हर वो चीज जो तेरी तरफ से नहीं है, जो मेरी लाइफ में परमेश्वर तेरी फायर को कैच करे और वो आउट हो सके, अनफ्रूटफुल लोग, सारे लोग जो तेरी तरफ से नहीं परमेश्वर, जो फिर भी मेरी जिंदगी में है, आज तेरी फायर उतरे लोगों के ऊपर, सारे अनफ्रूटफुल लोग आउट हो सके के सामर्थ्य में। आज आप घोषणा करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल ना होगा। आज हम घोषणा करते आपके जिवरे के ऊपर, सारे शैतानी हथियार वो नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, सारी शैतानी योजना वो नाश हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके लाइफ से, सारा दुष्टता नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाश हो जाए, वो नाश हो जाए, नाश हो जाए, सारी शैतानी योजना नाश हो जाए, वो निकल सके नाश हो जाए, नाश हो जाए, नाचरे 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 सारे सुदानी अच्छे नाचो जय नाचो जय नाचरे 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 सारे सुदानी अच्छे नाचरे सारा तुष्टता नाचरे 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 हम
हमारा विश्वास जो प्रार्थना है यहाँ से की गई है, हमारा विश्वास आपके टेस्टिमनी श्योर होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, अब अपने केसों से आजाद होंगे, अब बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम आपको ब्लेस घोषित करते हैं अपने गवाही के लिए, आप एडवांस में परमेश्वर का थैंक्स करना शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो अब समय है अपने बीज अपनी ऑफरिंग को बोने का, तो अपनी ऑफरिंग अपने टाइथ अपने सीड को निकालने परमेश्वर के कामों के लिए, और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे चार नंबर दिए गए इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को आप पूरे भारत से पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन हैं। आप गूगल पे GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। ICICI बैंक उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फ़ोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप इसे जो लोग फॉरेन से विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर तीन कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं अपनी ऑफरिंग अपने सीड अपने टाइथ को भेजने के प्रति। यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप एनी टाइम एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को जानकारी को ले सकते हैं, और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को अपने सीड को भेजना है। तारीफ करें सज्जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, उसकी भारी सामर्थ्य के लिए। हमारा विश्वास है कि आज आपका प्रार्थना करना आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप ब्लेस्ड होंगे, आप ऊंचे गए जाएंगे, बड़ी गवाहियों के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हमारा विश्वास है कि आप सेम नहीं है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जानते कि ये जो हफ्ता है पूरा एक ग्रेस से पूरा ग्रेटफुल हफ्ता परमेश्वर ने हमें दिया। आपने प्रभु भोज देखा थर्सडे को, और कल आपने देखा कि कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आप जानते हैं कि कल सबसे बड़ा दिन है जो हमारा, तारीफ करें सब दिन, कल की बड़ी मीटिंग के लिए। हमारा विश्वास है कि जैसे कल आप एंटर करेंगे परमेश्वर के भवन में, जैसे आप ब्रांचेस में एंटर करेंगे, आपका एंटर करना आपके लिए गवाही का कारण ठहरेगा। आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तो कल आपने अकेले नहीं आना, आप जानते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के सामर्थ्य भारी रीति से कल काम करेगी। तो आपने अकेले नहीं आना, जिन जो आपके लोग, जो आपके दोस्त, जो बीमार हैं, जो नशों में जो फंसे हुए हैं, आप उन लोगों को अब धक्के से आप उन लोगों को चर्च में लेके आएंगे। हमारा विश्वास है कि जैसे कल आप जीवित सामर्थ्य में एंटर करेंगे, जैसे कल की मीटिंग में आप एंटर करेंगे, हमारा विश्वास है कि आपके मुर्दा बिजनेस कल जी उठेंगे, आपके मुर्दा अंग जी उठेंगे, आपके मुर्दा परिवार कल जी उठेंगे, आपके मुर्दा जिंदगी जी उठेंगी, आप जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नामे। हालेलुया, आपके किसी भी हिस्से में अगर मुर्दा चीज है, हमारा विश्वास है कल जैसे आप चर्च में एंटर करेंगे, आपके साथ जुड़ी हर एक चीज कल जीवित होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, तो कल आपने चर्च आना है, आपने अपने परिवारों का अपने पूरे घरानों समेत पूरे ब्रांचेस में आपने आना है। हमारा विश्वास है कि जैसे यीशु मसीह जी उठा, बाइबल कहती है जो भी धरती में आए सारे जन मर गए, सभी की कब्रें आज भी खाली पड़ी है, सिर्फ एक ही
नाम है इस धरती के ऊपर जिसकी कब्र आज भी खाली है। क्या नाम है उसका? उच्ची बात में बोले यीशु, यीशु नासरी। हालेलुया। हमारा विश्वास है कि जो खुद जीवित है वो जीवित करने की सामर्थ रखता है। मुर्दों की लिस्ट में प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं। हमारा विश्वास है कि जैसे कल आप एंटर करेंगे बड़ी मीटिंग में, जैसे कल परमेश्वर के दास बड़े भेदों के साथ, उसकी सामर्थ के साथ, भेदों के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ आएंगे, हमारा विश्वास है कि जैसे कल आप परमेश्वर के दास को सुनेंगे, जैसे आप वचन को सुनेंगे, जैसे आप मास प्रेयर को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में आप जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुर्दा जिंदगियां कल जीवित होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके फेलियर चीजें, आपके डिले में जो चीजें, वो कल स्पीड को पाएंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास है कि कल आपका आना आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। अगर आपके बच्चे बीमार है, अगर आपके परिवार में कोई भी बीमार है, कल उठा के ले आओ उन्हें चर्च में, जो व्हील चेयर पे आए होंगे। हमारा विश्वास है कि कल लोग अपने शिकंजों को, अपने छड़ियों को, अपने व्हील चेयर को फेंक कर वो दौड़ेंगे, बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कल अपने विश्वास के साथ आना है। हमारा विश्वास है कि जैसे कल बड़ी मीटिंग में आप एंटर करेंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप ग्लोरी को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ये बहुत बड़ा दिन है कि यीशु मसीह के जी उठने का दिन। आप कभी मिस नहीं कर सकते इस दिन को। आप घर बैठकर इसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते। आप परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे पूरे परिवार के समेत। आप चर्च में आएंगे, आप पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि हमारा यीशु मसीह जी उठा। आप पूरे धूमधाम के साथ नाच कर कल आप उस दिन को सेलिब्रेट करेंगे। हमारा विश्वास है कि जैसा आनंद कल आपकी लाइफ में आप रिसीव करेंगे, वो आनंद कल से लेकर हमेशा तक, पीढ़ियों तक आपकी लाइफ में वो आनंद बना रहेगा। कोई डिप्रेशन आपकी लाइफ का हिस्सा न ठहरेगा, कोई फेलियर आपकी लाइफ का हिस्सा न ठहरेगा। कल जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ को जीवित करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो तैयार हो जाइए कल के लिए। हमारा विश्वास है कि कल बड़ा दिन है परमेश्वर का। जैसे आप एंटर करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी गवाहियों के साथ वापिस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। जो काम आपके रुके हुए, कल जी उठने की सामर्थ्य आपके रास्तों को, आपके कामों को स्पीड देगी। ऐसी स्पीड आपने कभी नहीं देखी होंगी, ऐसी गवाहियां आपने कभी नहीं देखी होंगी अपनी जिंदगी में। सारे बंद रास्ते खुलेंगे, ओपन होंगे, परमेश्वर को ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। तारीफ करें सब जन कल के दिन के लिए, परमेश्वर के दास और दासी के लिए। हमारा विश्वास है कि कल आपका आना आपके लिए सेम न ठहरेगा, आप ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हमारी ब्रांचेस है। कल बड़ा दिन सिर्फ हेड चर्च में नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। आप ब्रांचेस के एड्रेसेस को देख सकते हैं, जहां जहां पे हमारे ब्रांचेस है। हेड चर्च में कल आए, ब्रांचेस में आ पाए, सारी ब्रांचेस में, पूरे पंजाब में, पंजाब के बाहर सारी जगह में, पूरे ब्रांचेस, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां पे हमारी ब्रांचेस है, कल बड़ी मीटिंग को सेलिब्रेट किया जाएगा। मीटिंग होगी, बड़ी मीटिंग होगी। अगर आप हेड चर्च में नहीं आ सकते, तो आप ब्रांचेस के, इनके एड्रेसेस के आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप इन ब्रांचेस में जाकर मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। हालेलुया। और जब पंजाब के बाहर हमारी ब्रांचेस है, इनके एड्रेसेस को देखते रहे, पंजाब के ब्रांचेस के एड्रेसेस को देखते रहे, आप इनके स्क्रीन शॉट लेते जाए, पूरा एग्जैक्ट एड्रेस दिए हुए हैं। जैसे आप ब्रांचेस में एंटर करेंगे, हमारा विश्वास है कि जैसे कल जी उठने की सामर्थ हेड चर्च में होंगी, वो सेम सामर्थ परमेश्वर की ब्रांचेस में होगी। जैसे आप ब्रांचेस में एंटर करेंगे, हमारा विश्वास है कि बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो हमारी फॉरेन की ब्रांचेस है, उनके एड्रेसेस को आप देखते जाए। कल जो ईस्टर की मीटिंग फॉरेन ब्रांचेस में भी सेलिब्रेट की जाएगी। आप किसी भी आप देश के रहने वाले, अगर आपके पास चर्च नहीं है, तो एड्रेस परमेश्वर ने अपने दास को यूज किया, अपने दास को परमेश्वर ने जीवित कलीसियाओं को पूरे वर्ल्ड में स्थापित करने का, जैसे पौलुस कलीसियाओं को स्थापित करता गया, लोगों को बचाता गया, वैसा सेम मसा परमेश्वर ने अपने दास को दिया, पूरे वर्ल्ड में कलीसियाओं को स्थापित कर रहे हैं, एक जीवित चर्च। यह सबसे बड़ी आनंद की बात है कि जीवित चर्च अब आपके देशों में, आपके नगरों में, आपके मोहल्लों में आ चुके हैं। अब कल के दिन को आप घरों में बैठ कर सेलिब्रेट नहीं कर सकते, चाहे आप फॉरेन के रहने वाले हैं। बहुत सी ब्रांचेस फॉरेन में खुल चुकी हैं, वहां के देश की पूरी टाइमिंग, पूरा एड्रेस दिया हुआ है। जैसे कल आप ब्रांचेस में एंटर करेंगे, हमारा विश्वास है शॉकिंग टेस्टिमनीज परमेश्वर आपको देगा, वो आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा करेगा, बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कल आपने वायदा करना कि परमेश्वर मैं अकेला नहीं जाऊंगा, जैसे तेरे जी उठने की सामर्थ्य ने मुझे चेंज किया परमेश्वर, वैसे मैं अपने दोस्तों को, अपने परिवार के मेंबरों को, अपने रिश्तेदारों को लेके जाऊंगा। हमारा विश्वास कि अगर आप लोगों को लेके आएंगे, अगर आपके कारण रूहें बचाई जाएंगी, तो
एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा इस धरती के ऊपर भी और स्वर्ग में भी, आप बड़े प्रतिफल को पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। कल आप प्ले भी देखेंगे चर्च में कि कैसे यीशु मसीह ने जी उठने का प्ले होगा कल चर्च में। बड़ी मीटिंग होगी, बड़े काम होंगे। हमारा विश्वास है कि कल की मीटिंग आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। आप ब्लेस्ड होंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। लगातार प्रार्थना पहाड़ के साथ जुड़े रहे। ये अधिकारों से भरी हुई प्रार्थना जो एक घंटा जो परमेश्वर के दास का ये दर्शन है, प्रेम माउंटेन जो परमेश्वर ने अपने दास को दर्शन दिया था, अगर आप उस दर्शन के साथ है परमेश्वर के दास के साथ, हमारा विश्वास है कि सेम आशीषें आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी। आप ब्लेस्ड होंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना पहाड़ के साथ जुड़े रहें, आप ब्लेस्ड हैं, सबको जय मसीह के। सारम जय मसीदी। मेरा नाम मनदीप सिंह है, मैं हरियाणा कुरुक्षेत्र तो बोल रहा हूँ। मेरी जिंदगी से बहुत बड़ी गवाही है। आज तो 5 साल पहला मैं ते मेरे यार दोस्त मेरा भरा कबड्डी खेल रही सी, ते उन्दे तो बाद मेरा सिर थले वजिया, ते मेरी नक्क दी हड्डी टेढ़ी हो गई, ते अख ते नील पै गया। मैं 2 महीने दवाई खाधी ते मेरी अख ठीक हो गई, मैं नक्क ते ध्यान नहीं दिता। उन्दे तो बाद मैं 2 साल बाद डॉक्टर नूं दिखाया, तो डॉक्टर कहता ऑपरेशन होएगा, 80,000 रुपये लगेगा, फिर भी कोई गरंटी नहीं हैगी कि तुहाडा ऑपरेशन सही होएगा कि गलत होएगा। तो मैनू मासा भरोसा रह गया सी कि मैं जी सकागा कि मैं मरांगा, मैं खेल पावांगा अपने यार दोस्तों च, मैनू कुछ नहीं दिखता सी अगे। तो टैडी नक् होने के वजह नाल मेरा सह लैन च दिक्कत हो गई। मैं रात को हुटदा सी, मैं छातियां पिटदा सी, मैं अपने मम्मी डैडी को कहता सी मेरे साह नूं देखी की हो गया। मैं प्रे करवाता सी, मेरा बहुत माड़ी हालत सी। मैं प्रे माउंटेन नाल जुड़िया होया सी, मैं हर वारी हर दिन मैं अटेंड करता सी प्रे माउंटेन नूं, ते प्रभु दे सामर्थ ने मैनूं छूया, ते मैं उदू इस टाइम उदे हील हो गया। इस गवाही दे लई मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता, मैं प्रभु दे दादा दासियों का भी धन्यवाद करता। सारयां नूं जय मसीह दी। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनीमा इक्का है, मैं छत्तीसगढ़ जसपुर जिले की रहने वाली हूँ। मेरी गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें कंप्लीट घर के साथ में ब्लेस किया है। 2016 से हम घर बनाना स्टार्ट किए, पर हम घर बनाकर कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमारे घर में बरसात के मौसम में पानी घुस जाता था, जिससे हम उठने बैठने खाने पीने सोने के लिए हर चीज़ के लिए प्रॉब्लम होते थे, और शर्मिंदगी भी बहुत होते थे कि हम घर बनाकर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। फिर 2020 से हम अंकल नरोला मिनिस्ट्री से जुड़े, और हमारे स्पिरिचुअल मदर थर्सडे और संडे मीटिंग में बताते, बीज बोने के महत्व को बताते थे, तो हम घटी में भी हम बीज को बोते थे। फिर जब प्रेयर माउंटेन प्रेयर स्टार्ट हुआ तो हम स्टार्ट से ही प्रेयर माउंटेन में जुड़े हुए हैं। फिर एक दिन हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अंकुर यूसुफ नरोला ने प्रेयर माउंटेन प्रेयर में कहा कि आप कंप्लीट घर के साथ में ब्लेस हो रहे हैं, तो उस प्रेयर को हमने बड़े विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। तब परमेश्वर ने हमारे बंद रास्तों को खोला और हमने घर बनाकर कंप्लीट किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास पास्टर अंकुर यूसुफ नरोला और परमेश्वर के दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला और सभी प्रेयर वॉरियर्स का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह के। मेरा नाम पवन है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं ज़्यादा वजन उठाने में मेरी रीढ़ की हड्डी और नस में प्रॉब्लम आ गई थी और वो दिक्कत दे रहे थे, और मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि एक्सरे करवा लो, तो एक्सरे करवाए और एक्सरे के में बताया कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में अंदर में नस है, नस खींच गई है, और मैंने मेडिसिन खाई और कुछ आराम ना मिला। तो डॉक्टर ने फिर बोला कि तुम बेल्ट पहन लो, और बेल्ट पहने, और उसके बाद हमें कोई आराम ना मिला। और तब हमने जब एक दिन YouTube देख रहे थे, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री
प्रार्थना पहाड़ देखे और उसी दिन से हम जुड़ने चालू हो गए। और जब जब हम जुड़ते थे हमें सुकून मिलता था, आराम मिलता था, और हम उसी दिन से धीरे 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 हम चंगा 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 होते गए और हमारा बेल्ट उतर गया। हमें प्रभु ने छुआ है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और प्रभु का दासी का और जितने प्रार्थना टीमों का हम सबको धन्यवाद करते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब प्रेयर माउंटेन से हो रही हर रोज की प्रार्थनाओं को जब वो शुरू हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और भी बहुत सी लाइव टीचिंग्स होती हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नुरुला जी देते हैं। उन सभी टीचिंग्स को समय पर और सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। सोने दिया सड़े का ते असी बिना